हाँ जी, आने वाले दिनों के जिस तरह की टैंपरेचर देखे जा रहे हैं कि राइज होने की संभावना हैगी है। जे आप अज की गल करते हैं या कल की गल करते हैं तो टैंपरेचर जोड़े ने काफ़ी नॉर्मल रहे हैं, जिस तरह की 38 डिग्री टैंपरेचर कल रिकॉर्ड किया गया। बट जिहड़ा नाइट टैंपरेचर है वह थोड़ा जिहा ऑन द हाई साइड चल रहा है, इस करके आप देख रहे हैं कि बदलवाई या थोड़ी बहुत हवा चल रही है जिदे नाल कि टैंपरेचर दे विच थोड़ी जी चेंज देखी गई है। पर आने वाले दिनों दे विच इस तरह ही लगातार जिहड़ा टैंपरेचर है राइज होने की संभावना है। सो इस मंथ के एंड तक जिहड़ा टैंपरेचर है वह 40-41 डिग्री तक जिहड़ा वह पहुँच सकता है। सो अगर 3-4 डिग्री टैंपरेचर नॉर्मल नालों ज़्यादा हुंदा है तो असी IMD वालों जी हीट वेव की मतलब प्रडिक्शन है वह की जाती है। सो इन दिनों के जोड़े आने वाले 3-4 दिन है इस तरह ही टैंपरेचर जो राइज होएगा तो हीट वेव की जी है वह वार्निंग दी गई है, जिदे कि लोगों भी ताकीद की गई है कि वह घर तो बहर ना निकलन, स्पैशली जो दोपहर वे 12-3 बजे का टाइम है, बहुत जरूरी काम है ता ही घरों निकलन नहीं, अदरवाइज सवेरे शाम ही मतलब घरों बहर निकलिया जाए। और घरों बहर निकलन वेले भी अपना पूरा अपने आप को कवर करके सिर ढक के या सनस्क्रीन अपने अप्लाई करके है ना उही निकलिया जाए, ता और वो तो वो जो पानी उदा इनटेक की जाए ताकि अपना जिहड़ा गर्मी का जिहड़ा एहसास है वह घट होए और उहदा जिहड़ा नैगेटिव इंपैक्ट है हीट वेव का उहनूं आपां न्यूटलाइज कर सकीए। सो इन्हां दिनां दा विच इह जरूर ध्यान रखिया जाए ताकि आपां जिहड़े सनस्ट्रोक्स जां हीट वेव तों बचिया जा सके। किसानों नूं असीं इही अपील करते हैं कि जिहड़ी हुण कणक की वाढी हो चुकी है उन्हों संभालण दा टाइम आ चुकिया होया ते कणक दे नाड़ नूं जिहड़ी अग ना लाई जावे, उन्हों खेत विच ही वाया जावे ताकि जिहड़ा अपना ऑलरेडी टैंपरेचर इन्ने ज़्यादा राइज हो रहे हैं, जदों कणक दे नाड़ नूं अग लगाई जाती है तो टैंपरेचर दे विच होर वाधा हुंदा है जिहदे नाल कि होर नुकसान होने की संभावना हो जाती है। सो किसान वीरां नूं यही असीं सलाह दिंदे हां कि जिहड़ा कणक दी नाड़ है उन्हों खेत विच ही वाओ ताकि उहदा आपां नूं जिहड़ा भी फायदा है वह उठाया जा सके, क्योंकि जिते ये जी साड़ी सॉयल हैल्थ वह भी खराब होंगी है, मित्र कीड़े भी मरते हैं, तो इन चीज़ों आप बचाइए ताकि जोड़ा आने वाली सौनी दिया फसल आ वह भी आप तो चंगा झाट लै सकी। हले तो 4-5 दिन कोई संभावना नहीं हैगी, पर थोड़ा अगे जाके मई के फस्ट वीक के थोड़ी क्लाउडीनैस की संभावना नज़र आ रही है। सो हले 4-5 दिन इस तरह हीट वेव जी जारी रहेगी।